सो हेलो गाइस, मैं हूं सोमोजीत और स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो पर। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वाक्रोन रिव्यू शेयर करने वाला हूं ऑफ किया सेल्टोस का, जो सबसे बेस वेरिएंट आता है, ठीक है, जो है इसका HT-E वेरिएंट। इस वेरिएंट का एक डिटेल्ड वाक्रोन रिव्यू और आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है, सारे आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको पहले इसका की दिखाया था। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दो कीज आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक और आप यहाँ से रेयर बूट को इजीली एक्सेस वगैरह कर पाओगे और आपको ये एक फ्लिप की मिल जाता है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा एक फ्लिप की आपको यहाँ पर सेल्टोस के बेस वेरिएंट में कंपनी ऑफर करता है। अभी गाइस हम लोग इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप फ्रंट हेडलैम्प आप यहाँ पर देख ही सकते हो। आपको यहाँ पर हेलोजन में इसका एकदम पूरा फ्रंट हेडलैम्प मिल जाता है, मतलब हेलोजन प्रोजेक्टर में आपको यहाँ पर फ्रंट हेडलाइट्स मिल जाता है। ऊपर में आपको यहाँ पर इसका पायलट लैंप और आपको यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस यह कुछ इसका ओवरऑल फ्रंट ग्रिल, आपको यहाँ पर सैटन सिल्वर फिनिश में इसका फ्रंट ग्रिल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और आपको बीच में यहाँ पर किया का लोगो फ्रंट बोनट में आपको दिया गया है। बोनट में आपको यहाँ पर क्रीज लाइंस दिया गया है फॉर अ एरोडायनामिक लुक। डुअल वाइपर का सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और यह कुछ इसका ओवरऑल फ्रंट से लुक। फ्रंट बम्पर का आपको यहाँ पर डुअल टोन में इसका फ्रंट बम्पर मिल जाता है बॉडी कलर और आपको सैटन सिल्वर फिनिश में इसका फ्रंट बम्पर आपको मिल जाता है। और गाइस इस बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पर फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, पर अगर आप चाहो तो आप डीलरशिप से फ्रंट फॉग लैंप्स इंस्टॉल करा सकते हो। और गाइस यह कुछ इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल्स लुक ऑफ द सेल्टोस HT-E बेस वेरिएंट। सो गाइस अभी हम लोग इस बेस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल से लुक्स देख लेते हैं। सो यह है कुछ इसका ओवरऑल साइड से लुक। आपको यहाँ पर स्क्रीन में इसका व्हील बेस और आपको इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स कंपनी ने ऑफर किया है और आपको इस बेस वेरियंट से कंपनी आपको यहाँ पर फुल साइज व्हील कवर्स ऑफर करता है। अगर आप चाहो तो आप अपर वेरिएंट के जैसे एलॉय व्हील्स भी आप यहां पर इंस्टॉल करा सकते हो फ्रॉम द डीलरशिप। अभी हम लोग इसके टायर प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको यहां पर इसका टायर का जो साइज है, ठीक है, वो है 205/65 आर 16 इंच में। आपको यहां पर रेडियल ट्यूबलेस टायर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इन फुल साइज व्हील कवर। व्हील आर्च आपको दिया गया है। साइड में आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ऑन द साइड फेंडर, फुल्ली मैनुअली एडजस्टेबल साइड ORVMs आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। आपको फोल्ड भी ऐसे ही हाथ से ही आपको फोल्ड करना पड़ता है और आप ग्लास को एडजस्ट भी आपको मैनुअली एडजस्ट आपको यहाँ पर करना पड़ता है। साइड में आपको यहाँ पर बॉडी कलर में डोर ओपनिंग हैंडल, बी पिलर आपको मैट ब्लैक में मिल जाता है और आपको ए पिलर ग्लॉसी फिनिश में आपको मिलता है। और गाइस यह कुछ इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल से लुक ऑफ द सेल्टोस बेस वेरियंट HT-E। अभी हम लोग इसके रेयर प्रोफाइल से लुक्स देख लेते हैं। तो गाइज ये है बेस वेरिएंट सेल्टोस HT-E वेरिएंट का रेयर प्रोफाइल से लुक। रेयर से आप यहाँ पर लुक वगैरह देख ही सकते हो, काफी स्टाइलिश सा लुक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अभी हम लोग रेयर के टेल लैंप से स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लैंप्स तो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, पर आपको मतलब दूर से इसका जो लुक्स है, ठीक है, वो आपको कनेक्टिंग टाइप ही लुक्स आपको यहाँ पर मिलता है। बीच में आपको यहाँ पर किया का जो लोगो है, ठीक है, वो आपको बीच में मिल जाता है और आपको नीचे में यहाँ पर सेल्टोस का बैजिंग आपको यहाँ पर दिया गया है। रियर टेल लाइट्स आपको नॉर्मल हेलोजन में, ठीक है, आपको यहाँ पर रियर टेल लाइट्स मिल जाता है, ब्रेक लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर और आपको नीचे में यहाँ पर रिवर्स लाइट और एक रेड रिफ्लेक्टर आपको मिलता है। सारे आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब में ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेस वेरियंट है। रेयर बम्पर आपको एकदम पूरा मैट ब्लैक में मिलता है और आपको नीचे में यहाँ पर सैटन सिल्वर का फिनिश दिया गया है। रेयर ग्लास में आपको यहाँ पर कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता है और आपको यहाँ पर कोई भी वाइपर भी कंपनी ऑफर नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पॉयलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, शार्क फिन एंटीना। सो गाइस ये था कुछ सेल्टोस HT-E बेस वेरियंट का रेयर प्रोफाइल्स लुक। अभी हम लोग इस वेरियंट का अंदर से लुक्स वगैरह देख लेते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इसके ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर रुकिए, अभी पहले करते हैं कार को अनलॉक। सो यह है गाइस कुछ बेस वेरिएंट का ड्राइवर साइड डोर ट्रिम। आपको यहाँ पर ऑल ब्लैक में एकदम पूरा इसका डोर ट्रिम मिल जाता है। सिर्फ इसका जो डोर ओपनिंग हैंडल है वो आपको सैटन सिल्वर फिनिश में मिलता है। आप यहाँ से ORVM को मैनुअली एडजस्ट वगैरह कर पाओगे।
ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको दिया गया है, विंडो लॉक, सेंट्रल लॉक का बटन आपको मिल जाता है, डोर ओपनिंग हैंडल, ग्रैब हैंडल, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। सॉफ्ट टच में आपको ये नहीं मिलता है, ठीक है, आपको एकदम पूरा हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। स्पीकर आप यहाँ पर इंस्टॉल वगैरह करा सकते हो, बॉटल होल्डर, और आपको यहाँ पर कुछ भी छोटे मोटे सामान वगैरह आपको यहाँ पर रखने का स्पेस मिलता है। और गाइस यह कुछ इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक। अभी मैं कार के अंदर में बैठ के आपको यहाँ पर जितने भी फीचर्स कंपनी ऑफर करता है सारे अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स सीट इनसाइड द कार। सो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ सेल्टोस HTE बेस वेरिएंट के अंदर। आप यहाँ पर इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड का जो लुक है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। ब्लैक एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर के एकदम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ इसका डैशबोर्ड आपको मिलता है। अभी गाइस हम लोग पहले करते हैं कार को ऑन, मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ठीक है, उसको अभी हम लोग करते हैं पहले ऑन। सो यहाँ से आपको ऐसे करके की को इंसर्ट करने के बाद ये ऑन हो जाता है। सो गाइस यह कुछ इसका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर और आपको बीच में एक स्मॉल MID और आपको यहाँ पर इसका जो RPM मीटर है, ठीक है, वो आपको इस साइड में मिल जाता है। इंजन टेम्परेचर और आपको यहाँ पर फ्यूल लेवल दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील गाइस आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है। और आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो जो कंट्रोल्स है, ठीक है, वो आपको इस साइड में आपको यहाँ पर मिलता है। और आपको यहाँ पर नॉर्मली कोई भी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें अभी आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर कंपनी कोई भी म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं करता है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर डीलरशिप से या फिर आप आफ्टर मार्केट कोई भी म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हो। और आपको यहाँ पर AC वेंट्स दिया गया है और आपको बीच में यहाँ पर हैजर्ड लाइट का जो कंट्रोल्स है, ठीक है, वो आपको बीच में मिल जाता है। मैनुअल कंट्रोल AC आपको यहाँ पर दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है और एक टाइप सी फास्ट चार्जर, और आप यहाँ पर फोन वगैरह को चार्ज में लगा के आप यहाँ पर रख पाओगे। और गाइज आपको यहाँ पर एक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। सैटन सिल्वर फिनिश वगैरह आप यहाँ पर एकदम पर देख ही सकते हो। 2 कप होल्डर्स, अ मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है विद सम डिसेंट स्पेस, ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है विद सम स्पेस, रियर व्यू मिरर आपको यहाँ पर मैनुअली डिमिंग IR VM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर आपको दिया गया है विद 2 रीडिंग लाइट्स आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर दो रीडिंग लाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है, सनसेट फॉर द को ड्राइवर साइड विद अ वैनिटी मिरर, सनसेट फॉर द ड्राइवर साइड विद अ टिकट होल्डर। और गाइज आपको यहाँ पर आप गाइज यहाँ से ट्रैक्शन को ऑफ कर पाओगे और आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आपको यहाँ पर हेडलाइट लेवलर दिया गया है। और गाइज आपको यहाँ पर हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स मिल जाता है, ठीक है, हेडलाइट, साइड टर्न इंडिकेटर के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आपको यहाँ पर फ्रंट वाइपर के जो कंट्रोल्स है, ठीक है, वो आपको इस साइड में मिल जाता है। सो गाइज ये था कुछ एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक ऑफ द सेल्टोस बेस वेरिएंट। अभी गाइज मैं आपको इसका सेकेंड रो दिखा देता हूँ। सो गाइज सेकेंड रो में जाने से पहले अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका सीट दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, ब्लैक कलर में आपको एकदम फैब्रिक सीट्स मिल जाता है विथ फ्रंट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है। अभी गाइज हम लोग इस वेरिएंट का सेकेंड रो डोर ट्रिम देख लेते हैं। सो गाइज यह कुछ इसका सेकेंड रो डोर ट्रिम, वही ब्लैक एंड सैटन सिल्वर फिनिश के एकदम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ इसका डोर ट्रिम आपको मिल जाता है। और आपको यहाँ पर कंपनी फिटेड सन ब्लाइंड्स भी देखने के लिए मिल जाता है। रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, आप यहाँ पर स्पीकर वगैरह इंस्टॉल करा सकते हो, बॉटल होल्डर और कुछ छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर इजिली कैरी कर पाओगे। और गाइस यह कुछ रियर सीट्स आपको यहाँ पर सेम वही फैब्रिक में सीट्स आपको मिल जाता है विद नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अभी मैं आपको थोड़ा सा लेग रूम वगैरह दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर और ये जो सीट है, ठीक है, ये अब मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। आप यहाँ पर सिर्फ लेग रूम देख लीजिए, अच्छा खासा लेग रूम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। रियर AC वेंट्स आपको यहाँ पर दिया गया है, 2 टाइप सी फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, फ्रंट डैशबोर्ड का लुक फ्रॉम द रियर, ऊपर में आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल जाता है इन हैलोजन बल्ब, ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर दिया गया है। अभी गाइज हम लोग इसका बूट देख लेते हैं। सो गाइज अभी हम लोग देख लेते हैं सेल्टोस का बूट। सो आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक बूट ओपनर दिया गया है और यह कुछ इसका बूट स्पेस। आपको स्क्रीन में इसका बूट स्पेस कैपेसिटी शो हो रहा है और आप यहाँ से स्पेयर व्हील को एक्सेस वगैरह कर पाओगे।
सो गाइस ये था कुछ एकदम इसका बूट स्पेस। अभी गाइस हम लोग इसका इंजन देखते हैं। सो गाइस ये था एक डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू ऑफ किया सेल्टोस HT-E बेस वेरिएंट। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।